नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों कैसे हो? तुला राशि के अलावा वह दोस्त जिनका लगन तुला है वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आधा वर्ष व्यतीत हो चुका है तथा आधा भी बाकी है। ग्रह गोचर के अनुसार यह आधा वर्ष तुला वालों के लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देने वाला रहेगा। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस अवधि में जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। जोश जोश में होश ना खोएं, धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। देवताओं के गुरु का छठे भाव पर अपनी राशि में संचार दैव्य शक्ति प्रदान करेगा, जो आपको मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर निकाल लेगी। गुरु के आशीर्वाद से प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी। छठे वापस सब ग्रही अवस्था में संचार कर रहे गुरु की यह सबसे बड़ी खासियत है, आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, आपका बचाव करेंगे। शत्रुओं द्वारा रचा गया कोई भी षड्यंत्र स्वयं रचने वाले को ले डूबेगा। सब गुरु पर छोड़ दें, शत्रु खौफ खाएंगे। 29 जुलाई से लेकर 119 दिनों तक लगभग 24 नवंबर तक गुरु छठे भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। वक्री गुरु शत्रुओं के लिए अधिक घातक साबित होगा। दोस्तों वक्री अवस्था में गुरु का पंचम भाव की ओर जाना पंचम भाव से भी संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करेगा। इस अवधि में संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी, बुद्धि बल और ज्ञान बढ़ेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वक्री गुरु आय एवं लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी, भाग्य एवं कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। इस समय किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो गुरु की कृपया से बहुत सरलता से कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकता है। तुला राशि वाले मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से किसी रोग से परेशान है, इस अवधि में प्रयास करने से सरकारी सहयोग से इलाज संभव हो सकता है। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। बात करें शनि की तो दोस्तों इन 6 माह का सबसे पहला और बड़ा परिवर्तन 12 जुलाई को हो जाएगा और वह परिवर्तन है शनि का राशि परिवर्तन। फिलहाल शनि वक्री अवस्था में पंचम भाव पर गोचरस्थ है। पंचम भाव पर शनि का वक्री होना संतान विद्या बुद्धि प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों को प्रभावित कर रहा है। संतान क्षेत्र से चिंता परेशानी का आलम बन रखा है। बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों 12 जुलाई के बाद इनसे संबंधित मामलों में राहत महसूस करेंगे, क्योंकि 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब संतान क्षेत्र से कुछ राहत महसूस करेंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी, पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे, संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। चतुर्थ भाव पर शनि का गोचर एक बार फिर चतुर्थ ढैया की शुरुआत करेगा। बचा हुआ चतुर्थ ढैया पुनः आरंभ होगा। 23 अक्टूबर तक शनि चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस समय खास ध्यान रखें, माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप भी दुनिया की भागदौड़ से दूर कुछ समय एकांत और शांत वातावरण में व्यतीत करना अधिक पसंद करेंगे। चतुर्थ भाव पर वक्री शनि के प्रभाव से घर परिवार में सुख चैन की कमी महसूस करेंगे। भूमि भवन मां और मातृभूमि से दूर विदेश तक चले जाने की इच्छा प्रबल होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों को यह शनि विदेश यात्रा के अवसर पैदा करेगा। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएगा। अब शनि के शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अपने भावी घर को छोड़ अपने किसी बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं। भूमि भवन और वाहन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य
पूर्ण होंगे। दोस्तों शनि का मार्गी होना माता के सुख स्नेह सहयोग में भी वृद्धि करेगा। बात करें राहु एवं मंगल की तो 10 अगस्त तक सप्तम भाव पर राहु एवं मंगल का युति योग अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। इस समय दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाई रखें, धन के संबंध में यह उत्तम है, परंतु जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों से मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। 10 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा, अब अंगारक योग भंग हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, परंतु मंगल की यह स्थिति आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी है। अभी वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव बना रहेगा। मंगल की यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, चोर चोट और दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। जब तक मंगल अष्टम भाव पर संचार करेगा सतर्क रहें। इस समय मंगल और गुरु की धन भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, यह दृष्टि अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगी। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन अचानक से प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी की उपासना करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।